वेलकम 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 बैक एवरीवन। तो रिश्तेदार, यस गाइस, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे भाई बहुत ज्यादा बकवास होते हैं, कुछ लोग मुझे बोलेंगे भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ लोगों के थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस होंगे रिश्तेदार के बारे में। मेरी किस्मत अच्छी है गाइस, क्योंकि मेरे रिश्तेदार काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट मुझे अभी भी जस्ट रियलाइज हुई ये चीज, मैं खुद भी तो किसी का रिश्तेदार हूँ भाई, इसीलिए मैं ज़रा बकवास कर नहीं सकता हूँ। बट आज हम लोग इस रिश्तेदारों के बारे में जानने वाले हैं, किसके थ्रू? नॉट योर टाइप के थ्रू। देखते हैं जरा गाइस, नॉट योर टाइप के क्या थॉट है रिश्तेदारों के बारे में। इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक। रिश्तेदार वो लोग जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए। तुम दोपहर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा रहे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। ओह माय गॉड भाई, मेरे साथ ना ये चीज किसी रिश्तेदार ने तो नहीं करी आज तक कि मैं तेरे घर के पास रहता तो मैं आ जाता हूँ। बट ये सेम चीज हमारे पड़ोस के अंकल ने की थी एक बारी। उनके घर में आई थिंक ताला लगा था, चाबी नहीं थी उनके पास, उनकी वाइफ चाबी लेके गई थी, तो वो मेरे पीछे का दरवाजे की कुंडी खोल के अंदर लेटे हुए थे भाई, ऐसे करके मेरे बिस्तर के ऊपर। और जब मैं ताला खोल के अंदर वापस आया तो भाई मेरी तो सांसें रुक गई थी, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया भाई। मेरे को लगा एक्चुअली ऐसा फील हुआ कि कोई चोर घुस चुका, बट द थिंग इज वो अंकल खुद पुलिस वाले थे भाई। पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ, जंगलों में क्या करने आए थे? कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे? जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के। Oh my God, this is so true यार। रिश्तेदार कई बार आपके मॉम डैड का ना पूरा का पूरा वो चेंज कर लेता है कि भाई ये क्या सिंगिंग करेगा, क्या यूट्यूबर बन रहा है भाई, इसको बोलो कि इंजीनियरिंग कर और जॉब ले नो छोटी मोटी कोई भी। तारु के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है, ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। Wow, बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है तो हमने सोचा चलो क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब आपके बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। भाई यार जो चीज मैंने तुम लोगों को बोली एग्जैक्ट वही सेम चीज इसने बोली इस वीडियो के अंदर यार, और मैंने वीडियो बाद में देखी नहीं है, स्वेयर टू गॉड। तुम लोग ये मान के चल लो सबके सबकी रिश्तेदारों को लेकर सेम थॉट्स होते हैं। मैं हूं एक जादुई पेड़। ये क्या कर रहा है? चाटता कौन है भाई पेड़ बन के? क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है, इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है। और इनका मन पसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था, पकड़ो। देखो भाई बात ऐसे गाइस, जो इस टाइप का एक हमारा रिश्तेदार होता है ना जो ज्ञान झाड़ना ज़रा पसंद करता है, ये ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बाय द वे अगर कोई तुम लोगों को अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो भाई अच्छी बात है ना, इससे बुरा क्या है यार, तुम लोग मुझे बताओ जरा। हाँ अब तुम लोगों को उनके ज्ञान जो उन्होंने तुम्हें दिया वो चीज तुम लोगों को अप्लाई करने नहीं करने वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट सुन लो, मे भी हो सकता है तुम लोगों को कोई और पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाए उस चीज का, राइट? तो मुझे इस चीज में कोई बुराई नहीं लगती है। करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। ये वाला कितना फनी है रिश्तेदार यार। भाई साहब आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है, मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। वाह। नहीं पापा डॉक्टर तो नहीं, पापा इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर तो। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। क्या बात कर रहे हो आप? बेचारा बच्चा यार, कई बार यार ऐसा कर लेते हैं यार रिश्तेदार भाई, एंड वो चीज मुझे काफी ज्यादा बुरी लगती है कि हमारे मॉम डैड का ही दिमाग में कुछ और चल रहा था पर कुछ और ठूस लेते हैं और फिर उस हिसाब से फिर कंपैरिजन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, वो चीज बुरी लगती है। बाकी तो सब कुछ ठीक है भाई साहब। हाँ। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए तुम्हें। सच में भाई मार दो यार, मजाक करो भाई, मेरी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है भाई ये। शाउट आउट टू नॉट योर टाइप। पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। क्यों भाई चाट क्यों रहा है कुत्ता एक दूसरे को यार, मुझे बताओ। अगर दूसरे के बच्चे पे होती है, अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें
इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे तो ऑफिसर, मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी बत्तीसी से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयू, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ, सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से, इनने बिजली के खंभे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंभे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है, वो सुबह तक रफू करके दे देगा। शाम तक यार ऐसा होता है एक्चुअली में गाइस। यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि तुम लोग सोचते हो कि यार बाहर नहीं पता चलनी चाहिए किसी को भी, बट तुम्हारे कुछ रिश्तेदार ऐसे तो उनको ऑलरेडी पता होता है भाई। पता नहीं कहां से उन लोगों के वो सीक्रेट सोर्सेज होते हैं जो उनको सब कुछ बता देते हैं हमारे बारे में। बट ये सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और ये रही तुम्हारी फोटो, गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं, और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। ये तो होता है यार, रिश्तेदार आएंगे, जब मैं छोटा था ना रिश्तेदार आया, तेरे मम्मी डैडी मुझे बुलाते थे, बेटा बाहर आ जरा मिलने, इनसे मिलने, जो भी फूफा चाहे जो भी आया, मतलब है ना, ठीक है ना। दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार को तो हम भी जानते हैं भाई, ठीक है, इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है। फिर बैठा देंगे, हाँ, फिर वो पूछते रहेंगे, हाँ जी बेटा कैसे हो क्या है, कितने मार्क्स आए, क्या भाई क्यों बात करा रहे, हम नहीं जानते उनका, आप लोग बात करो और खत्म करो कहानी यार। इतनी अजीब सिचुएशन, मुझे क्यों बैठा रहे हो। और बेटे यू ही अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे तेको याद है, एक बार मैंने तेको तेरी लंगोट के बल उठा के पंखे पे लटका दिया था, और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे, मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी, बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे याद है, एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती। अब ये तो ना फिर भी ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। वेट अ सेकंड, तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार, ये क्या है भाई, ये बूढ़ा दादा, ये क्या निकाल के आया भाई, हेलो क्या चल रहा है जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी, तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा, अच्छा ये इनका बेटा है जी। अब ये रिश्तेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे फैमिली में कोई बहुत बूढ़ा दादाजी नहीं होता है जिसके दिल की जगह भी बैटरी लगी होती है, इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते, इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन, भाई आधा रोबोट बना के रखा है दादाजी को। उधर दादाजी का 150वां जन्मदिन बनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे दादाजी। वो दादाजी बेचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है, बेटा मार दो मुझे प्लीज, कोई मार दो अब। पीछे तुम्हारे पापा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक उड़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक का एक भी बूंद दादाजी की बैटरी पे गिरा तो तुम्हारा दादाजी टाइम बम की तरह फट जाएगा। खैर जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी दे के जा। यार ऐसा तो होता था भाई, देखो ऐसा होता था और बहुत ज्यादा मजा आता था। ये वाला मोमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट होता था, जब हम लोग जा रहे होते, रिश्तेदार 100-100 रुपया पकड़ाते थे, हम कहते रहे नहीं नहीं अंकल हमें नहीं चाहिए, और जेब में डाल के चल दिया भाई। ये वाला बेस्ट मोमेंट लगता रहा भाई मेरे को, सच्ची बात तो ये है भाई। भले ही वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हो या 100 रुपए का करारा नोट हो, पर सवाल, अरे भाई जब मैं छोटा था उसे 20 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे भाई। यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ इतनी मारामारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट काफी था या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो, चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट ले लो, लेकिन सब्सक्राइब करो, मेरी आंखें तुम पे ही है, करो अभी मेरे बच्चे के लिए कर दो यार। ये क्या यार, कितना क्यूट है यार, इसके कैरेक्टर के जो असाइन करता है ना, बहुत क्यूट है यार सच में, और जो आवाज निकालता है ना भाई, बहुत ज्यादा बेस्ट है यार। क्या मेरे बच्चे से दोस्ती करेगा, चले जाओ यहाँ से तुम्हारा बदसूरत बच्चा लेके। जा रहा हूँ मैं, क्यूट है भाई, जा रहा हूँ, बस चला ही गया। पर यार गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रिश्तेदार इविल होते हैं या फिर सारे के सारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब भी होते हैं, कुछ लाइक अच्छे भी होते हैं, और कुछ चिढ़ने वाले भी होते हैं, कुछ थोड़े ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं, कुछ पीठ पीछे आपकी अच्छाई भी कर सकते हैं, यू नो हर टाइप के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं यार। यू जस्ट हैव टू फाइंड वो वाले रिलेटिव्स जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, तुम्हारा लाइक दिल से वेलफेयर चाहते हैं,
उन रिश्तेदारों के, उन पर्टिकुलर रिश्तेदारों के घर तुम लोग भी देखभाल करो, तुम लोग भी भाई, क्योंकि किसी ना किसी का रिश्तेदार तो हो या तो पीठ पीछे तुम्हारी भी कोई ना कोई बुराई जरूर कर रहा होगा। बाकी इसमें जो सबसे ज्यादा रिलेटेबल बात मुझे लगी वो ये थी कि भाई रिश्तेदारों को पहले ही पता चल जाता है भाई। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब चैनल था, ठीक है गाइस, जो मेरा जो मेन यूट्यूब चैनल है 6 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इस वक्त। तो भाई उस चैनल पे जब गाइस मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे ना, तो उस वक्त मैंने अपने मम्मी डैडी को बताया था उस चैनल के बारे में। लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदारों को पहले से पता है कि भाई इसका तो यूट्यूब चैनल है, इसके लाख सुपर सब्सक्राइबर है, पैसे कमाना स्टार्ट कर गया बंदा। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई मैंने अपने मम्मी डैडी तक को भी नहीं बताया इस चीज के बारे में, पर मेरे रिश्तेदारों को पहले से ही पता है। पता नहीं कैसे, हाउ कम, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मैंने अपने नोन सर्कल में लाइक मेरे दोस्त है, मेरी दीदी तक को भी नहीं बताया था भाई मैंने, बाकी छोड़ो मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, किसी को नहीं, मतलब मेरे अलावा जिनको मैं पर्सनली जानता हूं मेरी लाइफ में, किसी को यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं बताया मैंने अपने, बट रिश्तेदारों को पहले से पता था भाई। सो विद दिस सेड गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। तुम लोग अपने रिश्तेदारों की फनी फनी सी कोई मोमेंट्स को शेयर करो कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धासक छोटे बगैर से। बाय बाय।